तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का ये मोबाइल है या फिर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है, तो आप उसमें किस तरीके से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी मेरे में फॉन्ट में जो है स्टाइलिश फॉन्ट नहीं लगी हुई है, तो चलिए मैं आपको स्टाइलिश फॉन्ट लगा के दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो थीम्स का ऐप होता है उसको ओपन कर लेना है। ये जो थीम्स का ऐप है इसको ओपन करना है। थीम्स वाला ऐप सभी के मोबाइल में होता है, तो इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का, तो आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप फॉन्ट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी फॉन्ट दिख रही है नीचे की तरफ, तो जिसको भी लगाना है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है फ्री का, जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो फ्री पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉन्ट चेंज हुई कि नहीं हुई। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ही फॉन्ट चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइस आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल में।